मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आपको रहता है मिथिला मच न्यूज के हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर। संविधान दिवस और नशा मुक्ति दिवस के मौके पर दरभंगा सिटी SP योगेंद्र कुमार ने सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों को दी नसीहत। कहा कि नशा मुक्ति अभियान से अन्य लोगों को जोड़ें, अपने क्षेत्र के सभी केंद्रों में जाकर नशा से लोगों को बचने का दें सुझाव। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने भी अपने सभागार कक्ष में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस पर शपथ दिलाई। कहा कि संविधान को जानना आवश्यक, कर्तव्य निष्ठा से करें संविधान का पालन। दरभंगा के एक धावक जो मैराथन में भी तीसरे और दूसरे पोजीशन पर आता था, उसे एक युवक ने चाकू मारकर किया घायल। दरभंगा DMCH में चल रहा इलाज। युवक ने कहा कि वो लहरियासराय थाने के एक अधिकारी का पुत्र है, उसे कुछ नहीं होगा। इसने पुलिस में की शिकायत, मामला दर्ज। दरभंगा नगर निगम में स्थायी संसद समिति की बैठक में PHD अधिकारी को कहा गया कि सभी वार्ड में छूटे हुए नल जल योजना को करें पूरा। इसके अलावा नगर निगम में ही संविधान दिवस के मौके पर सभी पार्षद एवं कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव के परिणाम घोषित। दो उम्मीदवार में राम सुभक चौधरी एवं विजय कुमार झा विजय घोषित। बाकी के लिए चल रहे हैं मतगणना कार्य, देर रात तक हो सकता है घोषणा। वहीं 21 उम्मीदवार 6 पदों के लिए कर रहे हैं अपने भाग का फैसला। तो अभी आपने देखा मिथिला न्यूज की बड़ी खबरें हेडलाइंस पे। अब खबर विस्तार से। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस राज्य सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा के CG SP योगेंद्र कुमार ने अपने सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों को नसीहत देते हुए कहा कि नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए अपने थाना क्षेत्र के आसपास के लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये नशा समाज को और देश को नुकसान पहुंचाता है। ये नशा ऐसे व्यक्ति के अंदर दुर्भावना को पैदा करता है, जिससे समाज में बुराई और अपराध पनपती है। CG SP योगेंद्र कुमार ने सभी थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों को नशा मुक्ति दिवस पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए एक निर्देश और सुझाव दिया है। नशा मुक्ति दिवस भी मना रहा है, साथ में आज संविधान दिवस भी है। आप सभी को पता है कि नशा जो होता है वो इंसान को फाइनेंशियली भी बर्बाद कर देता है, मेंटली भी बर्बाद करता है, और फिजिकली जो स्वास्थ्य पर वो असर डालता है वो तो करता ही करता है। चूँकि हमारे देश में अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, एक सामाजिक ताना बाना है, तो नशा किसी एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। वो आप पे जितने भी डिपेंडेंट है या जितने भी आपके सगे संबंधी है, वो सबके जीवन पे बहुत ही विपरीत असर डालता है। बिहार में हम लोगों ने सरकार का पॉलिसी है, नियम भी बना है मद निषेध का। हमारी पूरी पुलिस फोर्स प्रशासन, हम लोग लगातार उसको इम्प्लीमेंट कराने में लगे हैं। साथ साथ हमने देखा है कि दरभंगा में नशा को लेके समस्या आती रहती है, तो हम लोग ने उस पर भी एक अभियान चलाया है, जो ये कॉरेक्स हैं या फिर इस टाइप के जो सीरप्स हैं, जिसको जिसमें पढ़ करके जो युवा जनरेशन है वो अपराध का भी रास्ता अपना लेती है और गलत काम भी करती है, उसको भी लेके हम लोग अभियान चला रहे हैं। कई हमले जो नशा का 26 नवंबर को संविधान की स्थापना के रूप में मनाया जाता है, से लेकर के दरभंगा के CG SP योगेंद्र कुमार ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि संविधान की स्थापना और संविधान का पालन करना एक कर्तव्यनिष्ठ कार्य है। उन्होंने कहा कि आज संविधान के विषय में भी लोगों को आवश्यक रूप से जानना चाहिए कि संविधान ने उन्हें क्या क्या अधिकार दिए। आज सारा देश संविधान दिवस मना रहा है। हमारी जो नई पीढ़ी है उसके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो संविधान में दिए गए मूल्यों की रक्षा करे। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पहले वो संविधान को पढ़े, उसको समझे, उस पर डिस्कशन करे। और संविधान में फंडामेंटल राइट जैसी बहुत ही पावरफुल चीज़ सभी इंडिविजुअल्स को दी गई है, लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स का ही एक दूसरा पहलू है, फंडामेंटल ड्यूटीज़।
ये मेरा सभी से आह्वान है, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि इन चीज़ों का ठीक से अनुसरण करने के लिए, उनका अनुपालन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग एक बार संविधान को पढ़ें या जो इनके जानकार हैं उनके साथ इसके बारे में डिस्कशन करें। यदि हमारी आने वाली पीढ़ी संविधान को ठीक से पढ़ेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसका अनुसरण भी कर सकेगी, उसका अनुपालन भी कर सकेगी। दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज अपने सभागार कक्ष में सभी पदाधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई। आज संविधान स्थापना दिवस को लेकर के दरभंगा DM ने सभी को शपथ दिलाते हुए संविधान के मूल प्रावधानों को अपनाते हुए संविधान पर निष्ठा रखते हुए कर्तव्य का पालन करने का सुझाव दिया। इस मौके पर DM डॉक्टर त्यागराजन ने सभी को शपथ दिलाई। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता संविधान की शपथ लेते हुए संविधान की जो भावना है उसमें जो जो उसका मूल तत्व है उसके अनुरूप कार्य करने और संविधान के अंदर जितनी संस्थाएं हैं उनको जो स्वायत्तता दी गई है उन सभी स्वायत्तों सभी का आदर सम्मान करने करते हुए अपने कार्य करने का शपथ सभी पदाधिकारी कर्मियों ने आज लिया। पूरे जिले के पदाधिकारी थे आप? पूरे जिले के पदाधिकारी। प्रभात फेरी नशा मुक्ति दिवस के रूप में हर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, तो इसी के नशा मुक्ति से के प्रचार प्रसार के बारे में ही प्रभात फेरी निकाला गया था और समाज के लिए सबसे हानि जो है समाज में सुधार के लिए नशा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रभात फेरी निकाला गया था। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आज भारत के संविधान के जो स्थापित होने के अवसर पर सभी जिलों में आज हम सबको शपथ लेने के लिए निर्देश दिया गया है और शपथ का फॉर्मेट भी भेजी गई है। संविधान एक चीज है जो सभी इंस्टीट्यूशन जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, तीन थिंग्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तीनों को अपने दूसरे को सम्मान करते हुए संविधान को पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। हमारे संविधान कई संविधानों को एक संक्षिप्त विवरणी कहा जा सकता है और कई संविधान से लिए गए विवरणी को इसमें शामिल किया गया और पूर्ण रूप से जो चला रहा है सिस्टम उसमें परिवर्तित करते हुए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष प्रभात फेरी बच्चों के द्वारा निकाला जाता है। इस 26 नवंबर को भी दरभंगा के कई स्कूल के बच्चों ने सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालकर नशा मुक्ति दिवस मनाया। नशा मुक्ति दिवस पर बच्चों ने नारे लगाते हुए सबको नशा के खिलाफ होने वाले बीमारी और उसके दुष्प्रभावों को भी जानकारी दी। जनता में संदेश देते हुए बच्चे दरभंगा और लड़ियासराय के मुख्य मार्ग होते हुए निकले जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ प्राध्यापक प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक गण मौजूद थे। आज किस उद्देश्य को लेकर नशा मुक्ति के लिए क्या निकाले? 26 नवंबर नशा मुक्ति दिवस है जिसको हम लोगों ने समाज में नशे को हटाने के लिए बच्चे सड़क पर हैं ताकि छोटे बच्चों से एक मैसेज जाए पूरे समाज में कि नशा हम लोगों के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए सारे स्कूल के बच्चे आज रोड पर हैं कि जो कुछ भी नशे से अभी लोग परेशान हैं जो बचा हुआ है उसको दूर किया जाए। क्या नाम हुआ? जुनैद खान, प्लस टू सभी मुस्लिम हाई स्कूल। दरभंगा DMCH में एक महिला घायल अवस्था में मिली। कहा जाता है कि जमीनी विवाद की वजह से एक महिला को पीटा गया। खानपुर थाना क्षेत्र में घर से घीच कर महिला की पिटाई की गई।
लहूलुहान जब हो गई तो आसपास के लोगों ने उसे बचाया। बाद में उसे दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज गंभीर अवस्था में चल रहा है। कुदारी से पर कुदारी से आए आगे से कुदारी से कुदारी से कौन काट दिया लाल बाबू का वहाँ मारपीट हुआ था जी, वो विवाद था, जमीनी विवाद था, वहाँ मारपीट हुआ जिसमें इनका नाम है कुंती देवी, इनका पति का नाम है सुविदास और घर वाले का बछौली उसका खंडुआ बना खानपुर, वहाँ ये अपने अंगना में थे और इनके घर से घींच करके इनका मारपीट किया गया है जिसमें राजू लालू और संजय विनोद इसके बाद बच्चे के शरीर पर दीवार ईंटा गिर जाने के कारण बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। कहा जाता है कि बच्चा खेलता हुआ उस जगह खड़ा हो गया जहां ईंट रखी हुई थी। ऐसे में बच्चे के शरीर पर ईंट का दीवार गिर जाने से बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके सर और पैर की हड्डी टूटी है जिसका दरभंगा DMCH में इलाज चल रहा है। आँख उसी से हो गया है, आँख में इतना चोट के कारण हुआ है। घर बनाने वाला जो ईटा नहीं होता है उसमें घर के लगा हुआ था, उसमें खेल रहा था पूरा ईटा, उसमें उसका दिल में गिर गया पूरा। अच्छा तो ये मतलब कितने साल का है? 9 साल का। क्या नाम है इसका? सपना कुमार। लड़की है? हाँ। और ये कहाँ घर है आपका? अरेला। जिला? दरभंगा। अरेला थाना? अच्छा अभी आज की घटना है? हाँ। क्या बजे की? सुबह 7 बजे। आपका क्या नाम है? अंजलि देवी। पेट्रोल के दाम नित्य नए दिन घटने बढ़ने से आम उपभोक्ताओं में निराशा के भाव छाते हैं। कभी 25 पैसे घटा दिए जाते हैं तो कभी 50 पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। इसी तरह आज 10 पैसे पेट्रोल के मूल्य वृद्धि की गई। इसे लेकर के लोगों का कहना था कि अब उन पर असर ही नहीं पड़ता कि कब पेट्रोल का दाम घटता है और कब बढ़ता है। एक घंटे से जाम है, रोज रात ही है क्या? बहुत दूर तक जाम है। क्या नाम हुआ? 10 पैसा बढ़ाया पेट्रोल का। डीजल का सेम है, पहले से सेम चल रहा है। पहले कितना था पेट्रोल का? पेट्रोल का पहले था 80 रुपया 95 पैसा, आज है 81 रुपया 5 पैसा। और डीजल का? डीजल का 71.62 था, 71.62 है। आज कितना बढ़ा है? 10 पैसा। 10 पैसा और आगे शंका है? हम लोगों ने बताया डेली रेट चेंज हो रहा है, बढ़ ही रहा है रोजाना। अभी 3-4 दिन से लगभग बढ़ रहा है 10 पैसा। क्या नाम हुआ? कंचन कुमार चौधरी। अयोध्या से निकला राम रथ दरभंगा पहुंचा, दरभंगा में भव्य स्वागत किया गया। कहा जाता है कि अयोध्या से निकलने वाले इस राम रथ के स्वागत के साथ ही लोगों ने इस बात की आशा जताई कि अब अयोध्या में विशाल भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वहीं दूसरी खुशी की बात यह है कि मुस्लिम बोर्ड ने जिसे विरोध करने की बात की थी उसने अपना दावा वापस ले लिया, यानी कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपना रिट पिटीशन दायर नहीं करेगा। इससे लोगों में भी खुशी है और मुस्लिम हिंदू एकता का भी प्रतीक हुआ। देर शाम निकले इस राम रथ को दरभंगा के कई चौक चौराहों पर स्वागत किया गया। लहरियासराय से सीधा श्यामा मंदिर परिसर पहुंचा जहां हजारों की संख्या में लोगों ने राम रथ का स्वागत किया। गौरतलब है कि यहां से यह राम रथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करेगा। Oh, my God.
नेहरू स्टेडियम में प्रत्येक दिन दौड़ने वाले एक छात्र को एक पुलिसकर्मी के पुत्र के द्वारा चाकू मार दिए जाने की सूचना मिली। कहा जाता है कि छात्र जेएमसीएच में भर्ती है, जिसके सिर में, हाथ में और पैर में चोट लगी है। चाकू के निशान उसके सिर पर है। छात्र ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि वो मैराथन दौड़ में भी तीसरे स्थान पर रहता है और सभी जो जिला प्रशासन के द्वारा दौड़ होते हैं उसमें वो प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहता है। लेकिन पता नहीं उस व्यक्ति को उससे क्या नाराजगी थी, उसने अचानक आकर 10-15 लड़का के साथ मारपीट की, उसके सिर में चाकू मारा। इसके बाद घायल हो गया, जिसका दरभंगा डीएमसीएच भर्ती कराया गया, वहां इलाज चल रहा है। लड़ियासराय थाना में मामला दर्ज है। उसने यह भी आरोप लगाया कि चाकू मारने वाला व्यक्ति का पिता लड़ियासराय थाना में दरोगा है और इस बात का वो हमेशा सबको डराता रहता है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। तो जिसमें वहां गए दौड़ने के लिए, उसको क्या प्रॉब्लम था हमको ये सब कुछ पता है। डायरेक्ट आया और हम जब आए तो हम देखे गेट पे जो है लगभग 10-15-20 लड़का जो है खड़ा था। तो हम अंदर आए तो हमको उस टाइम कोई कुछ, हम अंदर आकर के और पेशाब कर रहे थे ग्रिल के पास जहाँ सब लड़का करता, वहाँ पर आया लड़का लोग और देखिए ये ड्राइवर चला हुआ दिखाइए पूरा दिखाइए ड्राइवर देख रहे हैं इसमें 4-5 का पड़ा हुआ ये देखिए और इतना मारा है आपको ये देखिए रॉड से मारा रॉड और बांस के टोटा से मारा है ये देखिए ये फूटा हुआ है ये देखिए रॉड से पीछे ये देखिए पूरा रॉड से पूरा ये नीचे पूरा नीचे उसके बाद एकदम शरीफ लड़का के उससे कुछ लिंक था ना हम नहीं जानते थे उस लड़का लोग सिर्फ अचानक आया और मारना शुरू अचानक आया और मारना शुरू कर दिया। नाम क्या था? हिमांशु सिंह। उसका पापा जो है सर लहरियासराय थाना में दरोगा है। उनका नाम जानते हैं? हाँ, उज्जवल सिंह नाम है उसके पापा का। और वो जो है बार बार यहाँ फोन करके बोल रहा है कि FIR नहीं करने के लिए धमकी दे रहा है FIR नहीं करना ऐसा जो है बार बार हमला। और सर डाइगर से जो है पूरा ये गोद दिया डाइगर चलाया। दोनों का नाम था हिमांशु और हिमांशु नाम था और लड़का का नाम हम नहीं जानते। एक को मतलब पहचान थाना के दरोगा का कौन है? दरभंगा में आज दिन सड़क जाम की स्थिति से हम लोग काफी परेशान हैं। गौरतलब है कि लहरियासराय और दरभंगा के बीच प्रत्येक दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई चौक चौराहे तो ऐसे हैं जिसमें घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात पुलिस लगातार सभी चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों के जरिए इस यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाने में लगी है, लेकिन पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से अभी तक कई जगह जाम से निजात नहीं मिल पाया। रोजाना यही हाल है। कौन सा जगह है? मिथिला मंच न्यूज के संकल्प सीरीज के प्रति छात्रों का विश्वास और रुझान बढ़ता जा रहा है। संकल्प टेस्ट सीरीज एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जो निस्वार्थ रूप से बच्चों के कैरियर को बेहतर करने एवं उन्हें 12वीं बोर्ड में अच्छे अंक लाने के उद्देश्य दरभंगा के वरीय अनुभवी एवं ईमानदार शिक्षकों की कोचिंग में जाकर छात्र छात्राओं को जानकारी देता है कि किस तरह 12वीं बोर्ड में सफल हो सकते हैं और अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को कई शिक्षकों ने जहां सराहा, वहीं सिलेबस पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों में आक्रोश है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं छात्र इस टेस्ट सीरीज के बहाने कोचिंग संस्थान की खामियों को मिथिला मंच न्यूज के सामने उगल न दे। इस वजह से कई शिक्षकों के यहाँ छात्र फॉर्म भरने से हिचक रहे हैं या फिर शिक्षक उन्हें बरगला रहे हैं कि वो फॉर्म ना भरे। ऐसा देखने को मिला कि कई जगह शिक्षक प्रेरित कर रहे हैं जिससे छात्र को लाभ पहुंचता है और ऐसे में छात्र पहचान पाते हैं कि कौन सा शिक्षक वास्तव में छात्रों को ईमानदारी से सिलेबस पूरा करता है।
देखिए मिथिला बस न्यूज के संख्या प्रेस सीरीज में बढ़ते रुझान से वर्षों से छात्रों को फायदा पहुंचा है। उसमें देखिए कि पाँच रुपये भी एक तरह का, चार रुपये भी एक तरह का, फुल एक्स्ट्रा कमा भी एक तरह का, इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर कोई टीचर लेता है, इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं, आया बच्चा निशान लगाया चल दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता। टेस्ट का मतलब होता है कि इस बेंच पर एक गो बच्चा रहे या दो गो बच्चा रहे, पाँच आदमी घूमता रहे, तो टेस्ट का वो मतलब होता है। दूसरा, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही क्वेश्चन सेट करेंगे, हम ही कॉपी देखेंगे, नहीं तो इसमें क्या होगा कि हम जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन सेट करेंगे, लेकिन पढ़ाए हम। नगर निगम के सभागार में आज अस्थायी शासक समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बोर्ड के सदस्यों के साथ नगर आयुक्त घनश्याम मीना, वैजयंती देवी खेरिया मेयर, उप मेयर बद्रु जमा खान के साथ अन्य पार्षद जो बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। इसमें कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई और विचार किया गया। इसमें कई नगर निगम के कर्मी एवं अधिकारी भी मौजूद थे। खासकर इसमें पीएचडी के अभियंता को भी बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि जितने भी वार्ड में जल नल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, उसका तुरंत लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करें। गौरतलब है कि दरभंगा के कई ऐसे वार्ड है जहाँ जल नल योजना के तहत अभी भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने की। इस बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीना, उप महापौर बद्रू जमा खा, स्थायी समिति के सदस्य एवं निगम कर्मी उपस्थित थे। वहीं इस बैठक में पीएचडी के अभियंताओं को भी बुलाया गया था, जिन्हें शहर में जल नल योजना के बारे में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही कई एजेंडों पर चर्चा करते हुए पार्षदगण ने कहा कि निगम के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई कामें की जा रही हैं। वहीं शहरवासियों से भी अपील की कि वह सौंदर्यीकरण में अपना सहयोग प्रदान करें। से हम लोग अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार को हम लोग को अब लगता है कि हम लोग उन्हें भी नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पे एचओडी जी बैठे हुए हैं, हमारे माध्यम हमारे नवजात महोदय है, इसके बाद उठते ही हम लोग का कोई कहीं पर किसी का बात नहीं सुना जाता है। हम लोग अपने प्रश्न सभी से कोई काम करवा लेते हैं, सभी पार्षद की वैसी स्थिति नहीं है जो अपनी प्रतिभा से अपने काम से करा सके। मेन हम लोग का उद्देश्य आज मीटिंग के तौर पे ये हुआ है कि जो हमारे शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और पीछे भी हुई थी, उस पर हमने लोगों ने विचार किया है और बुड़को और पीएचडी वाली कंपनी को बुला के उनसे निर्णय और एकदम सीरियसली बात की है कि जल्द से जल्द ये काम कीजिए आप, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाए और फाइन किया जाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है, प्लस अभी 2:30 बजे फिर मीटिंग है उन लोग के साथ में नगरायुक्त जी की, और फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उनसे फाइन कड़ाई की जाएगी, प्लस फाइन किया जाएगा। दूसरा, हमारा उद्देश्य यही है शहरवासियों से कि जो हम लोग डस्टबिन दिए हैं उसकी गाड़ियां हम लोग जल्द खरीद रहे हैं, सूखा गीला कचरे की गाड़ियां लोड हो चुकी है, जल्द जल्द आ जाएगी। तो शहरवासियों से ये निवेदन है कि आप लोग को डस्टबिन जो दिया जा रहा है उसी मुताबिक कचरा रखें, और हम लोग को सहयोग करते हुए शहर सफाई में हमको हेल्प करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना नगर निगम काम पूरा नहीं कर पाए। का बैठक किया गया था माननीय महापौर की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इश्यूज थे जिसमें हमने निर्णय लिया। सर्वप्रथम तो जो जल हर नल नल का हर घर नल का जल का जो स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, उसकी समीक्षा की गई, और पीएचडी के इंजीनियर एवं मुल्कों के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सो हम लोग ने जो पार्षद लोग हैं उन्होंने अपनी समस्या का वर्णन किया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उन लोग के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जल्द से इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जल्द से जितने कनेक्शन कार्ड हैं उनको किया जाएगा, और जो भी इसमें समस्या आ रही है उसका निदान किया जाएगा। साथ ही ई एस एल एजेंसी जो इलेक्ट्रिसिटी लगा रही है, अभी कुछ और जगह जो जगह जहाँ बच गई हैं LEDs को जहाँ लगाना है उसको भी हम लोग ने बताया है उनको, उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द उस कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही विकास की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कुछ जो नाले हैं जो प्रगति में हैं, और दूसरा जो कुछ हर घर नल की जल में जो हम लोग की हर घर जो पक्कीकरण होना है, हर रोड जो बननी है पक्कीकरण, उसके लिए भी जो स्कीम में जो काम हो रहा है उसको भी तेज करने की शहर की जल समस्या जो है उस पर उनसे बात हो रही है कि जहाँ जहाँ सप्लाई नहीं है या जहाँ पानी की लीकेज है या जहाँ पाइप में लीकेज है उसके संबंध में वो
बोल रहे हैं कि हम ठीक करेंगे जल्दी से जल्दी, इसी समस्या पर विचार हो रहा है। कौन आया है? पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और उनके असिस्टेंट इंजीनियर हैं। क्या कह रहे हैं कि जल्द ठीक कर देंगे? हाँ बोल तो रहे हैं ठीक कर देंगे, तो हम लोग अपनी समस्या बताएं, हम कितना ठीक कर पाते हैं तो देखेंगे। क्या आश्वासन मिल रहा है कि कितने दिन में ये पानी? उनका कहना है कि निकट भविष्य में तुरंत हम ठीक कर देंगे। शनिवार को सीनेट के प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद आज 26 तारीख को मतगणना प्रारंभ हुई। गौरतलब है कि कुल 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जो 6 पदों के लिए चुने जाने हैं। इसे लेकर के शांतिपूर्वक मतगणना देर शाम तक चलती रही। हालांकि इसमें अभी तक 2 परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें संबंध महाविद्यालय से राम सुभक चौधरी और विजय कुमार झा को विजयी घोषित किया गया है। वहीं शेष बचे सीटों पर गिनती देर रात तक जारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में शनिवार को हुए सीनेट प्रतिनिधियों के चुनाव की मतगणना की गिनती की गई। इस चुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। यह गिनती देर शाम तक चलती रही। वहीं देर शाम तक 2 सीटों पर ही रिजल्ट आ पाए हैं, जिसमें संबंध महाविद्यालय से राम सुभंग चौधरी और विजय कुमार झा विजय घोषित किए गए। वहीं शेष बचे सीटों पर भी गिनती की प्रक्रिया चल रही थी। राम सुभाष चौधरी विजय कुमार झा सीनेट का चुनाव जो हुआ है उसी की गिनती हो रही है। इसमें 3 है ग्रुप CABC, तो अभी सी की गिनती हो रही है। सी एफिलिएटेड कॉलेज है, उसकी गिनती अभी चल रही है। उसके बाद बी की होगी, उसके बाद बी की गिनती होगी और उस तब लास्ट में ए की गिनती। ये लोग चुने जाएंगे, इसको क्या करेंगे ये लोग, क्या इसका प्रतिनिधि मेंबर होंगे सीनेट के, कॉलेज की समस्याओं से क्या नाम है सर? सुरेंद्र प्रसाद सुमन। नगर सभागार में पीडीएस दुकानदार विक्रेताओं की बैठक सदर के वीडियो के द्वारा की गई। इस मौके पर POS के बारे में सभी पीडीएस दुकानदारों को बताया गया। हालांकि दुकानदारों की समस्या को भी वीडियो ने सुना और उन्हें हल करने का भी प्रयास किया। दरभंगा के टाउन हॉल में खाद्यान्न आपूर्ति करने वाले पीडीएस दुकानदारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा ने की। इस बैठक में शहरी क्षेत्र में सभी पीडीएस दुकानदारों को बुलाया गया था, जिन्हें POS मशीन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वहीं दुकानदारों के द्वारा भी कई समस्याएं बताई गई, जिसे तत्काल निष्पादित किया गया। इस अवसर पर कई पार्षदगण उपस्थित थे, जिन्होंने खाद्यान्न आपूर्ति में आ रही समस्याओं को वीडियो से अवगत करवाया। इस मशीन जो है, इसके माध्यम से हर पीडीएस डीलर को अब अनाज या खाद्यान्न की आपूर्ति करनी है, उसके संबंध में एक जन जागरूकता का कार्यक्रम सभी वार्ड पार्षद एवं पीडीएस डीलर के साथ करने का निर्देश है। इसी निर्देश के आलोक में आज शहरी क्षेत्र के तमाम डीलर को बुलाया गया और जो वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि है उनको बुलाया गया है, ताकि POS मशीन के संबंध में जो तरह तरह की कुछ भ्रांतियां हैं या किन्हीं को है, क्योंकि POS मशीन काम कर रहा है, लोगों को अनाज का वितरण भी हो रहा है, लेकिन मशीन है, मशीन के तकनीक के संबंध में कुछ लोगों को समस्याएं हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ जनप्रतिनिधि ही हैं हमारे, हम जनप्रतिनिधि को बता पाएंगे तो ही उसका सार्थक लाभ सबको मिल पाएगा। तो आज ये जन जागरूकता उस मशीन के संबंध में, मशीन से समस्याएं थोड़ी यदा कदा, जो हर क्षेत्र है हर ब्लॉक के लिए एक एक्सपर्ट दिया गया विजन टेक के माध्यम से, और वो ऑन द स्पॉट जाकर दुकान पर अगर कोई समस्या आ जाती है तो ऑन द स्पॉट जाकर उस समस्या का निराकरण करते हैं। संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन शोध संस्थान में मंगलवार को मिथिला के अंतिम नरेश महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर झा ने अध्यक्षता की। इस मौके पर बताया गया कि किस तरह दरभंगा का ऐतिहासिक अवदान हुआ और
पूरी निष्ठा के साथ संस्कृत को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। यहाँ पर वक्ताओं ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों को संस्कृत के विषय में जानकारी हो और संस्कृत विषय अपना ये सबसे अच्छी बात कही जाएगी। दरभंगा के मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में मंगलवार को मिथिला के अंतिम नरेश महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर झा ने महाराजा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि प्राची विद्या में महाराजाधिराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह का ऐतिहासिक अवदान की चर्चा तब तक पूरी नहीं की जाएगी जब तक हम पूरी तत्परता व निष्ठा के साथ संस्कृत के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान पीढ़ी एवं आने वाली पीढ़ी को प्रतिबद्ध नहीं करेंगे। इस अवसर पर कई विद्वत्जन उपस्थित। मैं भी आते ही मैन्युस्क्रिप्ट को देखा। मैं एक मोटा मोटी कहना चाहता हूँ कि अभी पांडुलिपि पर एक कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, MMI जो केंद्र सरकार की एक संस्था है उसका एक कार्यक्रम हमारे स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में आयोजित है। तो मैन्युस्क्रिप्ट की रक्षा, मैन्युस्क्रिप्ट 16 जून 1951 को की थी। आज हम लोग 113वां महाराज की जयंती मना रहे हैं और महाराज का यह भी महत्वपूर्ण है कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। दरभंगा महाराज संविधान समिति के सदस्य थे और उन्होंने मिथिलांचल को, बिहार को विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। बिहार के विकास में स्वाधीनता सेनानियों से लेकर के कारखाना खोलने में, शिक्षा केंद्र के स्थापना में वह उनका बहुत बड़ा योगदान है और यही कारण है कि उनके बाद भी ये दो दो विश्वविद्यालय शोध संस्थान दरभंगा शहर में है। हम उनकी जयंती को मना रहे हैं और दरभंगा महाराज नगर निगम के सभागार में आज संविधान स्थापना दिवस के मौके पर सभी पार्षदों एवं नगर निगम के कर्मियों को शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि संविधान दिवस के मौके पर सभी जगह शपथ दिलाकर लोगों को एवं संबंधित पदाधिकारी कर्मचारियों को संविधान के अधिकार के विषय में जानकारी देते हुए कर्तव्य का पालन करने का सुझाव दिया जाता है। इस मौके पर वैजयंती देवी खेरिया मेयर एवं नगर आयुक्त घनश्याम मीना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर महापौर वैजयंती देवी की अध्यक्षता में कर्तव्य और सच्चे निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त घनश्याम मीना, पार्षद अजय जलान, सोहन यादव, डब्बू खान सहित कई निगम कर्मी उपस्थित थे जिन्होंने संविधान दिवस पर शपथ खाई। आज हमारा जो संविधान है कितने भी हमारे नाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम हमारे कर्तव्य, जो भी हमारी राइट्स हैं अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य पे भी हम लोग ध्यान दें और पूरे देश को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, पूरे समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस पर हम लोग को फोकस रहना चाहिए। और आज हम सभी को ये गर्व है कि हम जो है सब भारत के नागरिक हैं और ये संविधान हमें कई सारे राइट्स भी देता है, ड्यूटीज भी देता है, उनका हम सब रिस्पेक्ट करें और सारे संविधान का और सारे देश को और भी ऊंचाई होनी चाहिए। दरभंगा डीएवी पब्लिक स्कूल में संविधान दिवस के मौके पर बच्चों के बीच शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों के साथ छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस मौके पर भाषण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को संविधान के विषय में बताया गया। दरभंगा डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में 70वां संविधान दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय के सभी बच्चों एवं शिक्षकों ने संविधान की प्रस्तावना को दोहराते हुए संविधान की शपथ ली। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा भाषण एवं संगीत का भी प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें सौरभ झा, दीक्षा, आयुषी, हेमलता, संप्रदा सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं शिक्षक अमितोष कुमार व शालिग्राम यादव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को उद्धृत करते हुए संविधान निर्माण के इतिहास पर प्रकाश डाला। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस यूनिटी ऑफ द नेशन इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 दे हियरबाय अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कंस्टिट्यूशन थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खास खबरों पर एक बार फिर से संविधान दिवस और नशा मुक्ति दिवस के मौके पर दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों को दी नसीहत कहा कि नशा मुक्ति अभियान से अन्य लोगों को जोड़ें अपने क्षेत्र के सभी केंद्रों में जाकर नशा से लोगों को बचने का दें सुझाव दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी अपने सभागार कक्ष में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस पर शपथ दिलाई कहा कि संविधान को जानना आवश्यक कर्तव्य निष्ठा से करें संविधान का पालन दरभंगा के एक धावक जो मैराथन में भी तीसरे और दूसरे पोजीशन पर आता था उसे एक युवक ने चाकू मारकर किया घायल दरभंगा डीएमसी में चल रहा इलाज युवक ने कहा कि वो लहरियासराय थाने के एक अधिकारी का पुत्र है उसे कुछ नहीं होगा इसने पुलिस में की शिकायत मामला दर्ज दरभंगा नगर निगम में स्थायी संसद समिति की बैठक में पीएचडी अधिकारी को कहा गया कि सभी वार्ड में छूटे हुए नल जल योजना को करें पूरा इसके अलावा नगर निगम में ही संविधान दिवस के मौके पर सभी पार्षद एवं कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव के परिणाम घोषित दो उम्मीदवार में रामसुभक चौधरी एवं विजय कुमार झा विजय घोषित बाकी के लिए चल रहे हैं मतगणना कार्य देर रात तक हो सकता है घोषणा वहीं 21 उम्मीदवार 6 पदों के लिए कर रहे हैं अपने भाग का फैसला तो ये थे मिथिला मशीन्स के आज दिन भर की बड़ी खबरें जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला मशीन्स का हर अपडेट खबर आप तक पहुंचेगा मिथिला मशीन्स का फेसबुक पेज लाइक करें और शेयर करें इसके अलावा मिथिला मशीन्स के यूट्यूब www.mithilamazdoors.com वेबसाइट पर भी हर अपडेट खबर देखें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें मिथिला मशीन्स हर माध्यम सोशल मीडिया से आपको रूबरू कराता ताकि हर अपडेट ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचे क्योंकि आज के समय में अगर आप जागरूक नहीं है अपने आसपास क्षेत्र के खबर और समस्या के प्रति तो एक सभ्य नागरिक को जानना चाहिए कि आपके क्षेत्र की खबरें क्या है तो मिथिला मशीन्स के लगातार अपडेट से रहें आप ही अपडेट और हमें दे सुझाव मिथिला मशीन्स पर धन्यवाद मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट इस अवसर का लाभ उठाएं होटल गंगा रेजिडेंसी रामबाग किला दरभंगा जल्द संपर्क करें